नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म यात्रा में, जिसमें इस बार हम आपको लेकर आए हैं 10 महाविद्याओं में से एक शिव विद्या ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी के दरबार में। तो आइए अंदर चलते हैं और करते हैं माँ के दर्शन। इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर बना भव्य श्री विद्या धाम मंदिर माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का साक्षात दरबार है और यहाँ इनके हर स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। माँ की विशेषता है कि ये पंच प्रेतों पर आसीन है। माँ के एक हाथ में गन्ना है तो दूसरे हाथ पर माँ तोते को बिठाए हुए है। भगवान शिव की नाभि से निकले कमल पर माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। माँ पंच प्रेतासन पर विराजमान है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, भगवान रुद्र, ईशान और सदाशिव इस पंचवेदासन पर राजराजेश्वरी विराजमान है, जिनने हाथ में इक्षु धनुष धारण किया है और वो इक्षु धनुष मन का प्रतीक। माँ के जो भक्त हैं, माँ के जो साधक हैं, उनमें अग्रगण्य भगवान दत्त, भगवान परशुराम और भगवान राम भी रहे। माँ त्रिपुरा सुंदरी को तीनों लोकों पर राज करने वाली एकमात्र देवी का स्थान प्राप्त है, इसीलिए इन्हें राज राजेश्वरी व भुवनेश्वरी भी कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी समस्त ब्रह्मांड की एकमात्र देवी है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्रकार के सुख प्रदान करती है। इंदौर में राज राजेश्वरी जगत जननी माँ पराम्बा ललिता महा त्रिपुर सुंदरी श्री श्री विद्या के श्री विग्रह की स्थापना पूज्य महाराज श्री ने यहाँ की है। मुख्य मंदिर माँ त्रिपुर सुंदरी का ही है। श्री यंत्र के स्वरूप में इस मंदिर की पूरी संरचना की गई है। अष्ट भुजाओं के साथ ये मंदिर स्थापित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से परिकल्पना श्री यंत्र की है। माँ का निवास श्री यंत्र में ही होता है, इसीलिए मंदिर का मूल स्वरूप श्री यंत्र के स्वरूप का है। वैसे तो माँ गुप्त विद्या श्री विद्या के रूप में संसार में विद्यमान है, लेकिन कलयुग में इनका प्राकट्य जनमानस के समक्ष होने से साधक इनके महत्व को जानकर उसका वर्णन करने में समर्थ हो सका है। यात्रा के इस सफर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आपको लेकर चलेंगे किसी अन्य धार्मिक स्थल पर। तब तक के लिए देश विदेश से जुड़ी अन्य खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webduniya.com पर।